अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ 10th सेशन इन शेप ऑफ एमसीक्यूज़ इन फ्रंट ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, बिफोर दिस सेशन आई हैव कंप्लीटेड 9 सेशंस ऑन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड आई हैव given multiple aspect in shape of rules and regulations in which we have discussed many examples where to put a in the or where to omit indefinite article the we have discussed in details. Today I have some examples in shape of blanks, not in MCQs. MCQs I have already given you in my PDF form. Now we have the blanks in order to discuss various rules and regulation so that we may understand whether we have left anyone or not in this regards. So proceed, students. This is an MCQ of articles written by me. What you have to do, choose a, in, the, or no article, or sometime may you find any verb which may be directly interact to the articles, maybe in shape of in singular or plural. So I start kyun tha in mala? तकरीबन ये 50 एम सी क्यूज़ आहिनि जिनमें कुझु जेके असां रूल्स कवर कया आहिनि उन्हनि खे मीट कंदा ज़रूरु उन जे मुताबिक़। सो स्टूडेंट, असांजो पहिरियों सेंटेंस आहे जेको रिक्वायर्ड आहे, कहिड़ो छा थो चए पियो? आई वॉन्ट टू लर्न डेश फ्रेंच। छा पवंदो, ए एन द या नो आर्टिकल? ऐं जेकॾहिं छा बि हिन में लॻंदो, छा बि हुन में पुट थींदो, पर असां वटि रीज़न ज़रूरु हुजणु घुरिजे। सो तव्हांखे कॉपी उन जा नंबर्स लिखंदा वञो ऐं उन्हनि ते रीज़न ज़रूरु लिखो त हिन में छा पवणो आहे। सो तकड़ न आहे, हिनखे आराम सां रीज़न ॻोल्हणो आहे उन जे मुताबिक़। हाणे हे तव्हां जेकॾहिं पहिरियों, ॿियो, टियों, चोथों जुमिलो ॾिसंदो, हिननि सभिनी में अॻियां लफ़्ज़ फ्रेंच इस्तेमालु थियलु आहे। फ्रेंच छा आहे इहो? हिते फ्रेंच ॿोली आहे, फ्रेंच सब्जेक्ट आहे, या फ्रेंच क़ौम आहे, या फ्रेंच एजेक्टिव आहे? इहे सभु उन सां रीज़न मिलनि था पिया। हाणे असां वटि पहिरियों आहे, आई वॉन्ट टू लर्न डेश फ्रेंच। हाणे इहो लर्न आहे त माना फ्रेंच या सब्जेक्ट आहे या लैंग्वेज आहे। सब्जेक्ट ऐं लैंग्वेज में असां हिन प्रीवियस जेको असांजो सेशन हुयो उन में असां पढ़ियोसीं त लैंग्वेज ऐं सब्जेक्ट में डेफिनेट आर्टिकल न लॻंदो आहे, माना इते नो आर्टिकल थींदो। नंबर टू, फ्रेंच हैव ऑफर्ड हेल्प। छा लिखियलु आहे? फ्रेंच जे अॻियां हैव लिखियलु आहे। हाणे लॻे पियो त हैव पियल आहे त इहो इते प्लूरल आहे या त इहा ग़लती आहे, पर जॾहिं बि क़ौमुनि जे जा एजेक्टिव जेके हूंदा आहिनि, क़ौमुनि जा एजेक्टिव, पाकिस्तान पाकिस्तानी, फ्रांस फ्रेंच, चाइना चाइनी, इंडिया इंडियन, त अहिड़े क़िस्म जा जॾहिं बि ईंदा आहिनि त जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जे अॻियां द इस्तेमालु कंदो त यकीननि पोयां प्लूरल इस्तेमालु करिणो पवंदो ऐं उनजो मक़सदु छा हूंदो? क़ौमू। ठीकु आहे, क़ौमू माना जम में उहो इस्तेमालु थींदो आहे। फ्रेंच हैव ऑफर्ड हेल्प माना हिकिड़ी क़ौम सॼे जे लाइ, उहा क़ौम खे माना हिकिड़ो क्राउड थी वियो, कलेक्टिव पीपल थी विया, त उन्हनि खे असां प्लूरल में इस्तेमालु कंदासीं। हा, कॾहिं कॾहिं वरी हिकिड़े माण्हू में बि इस्तेमालु थींदो आहे, त हीअ जर्मन आहे, हीअ फ्रेंच आहे, हीअ पाकिस्तानी आहे, जेकॾहिं द हणंदो त उहा ग़लती हूंदी। टियों जुमिलो ॾिसो, I met Dash girl in a shop. वरी लिखियलु आहे, Dash girl was Dash French.
हाँ इतने इन में असा ब रूल्स इस्तेमाल था थन पाया। इन में एक रूल आए तो अस पढ़ोसे तो जडे कॉमन नाउन रिपीट थे, आई मेट अ गर्ल, कॉमन नाउन आ अ गर्ल इन अ शॉप, हाँ पे फुल स्टॉप भी कॉमा भी इंदी आ, हाँ सागो ही लफ्ज आए, सागो ही नाउन आए, जगह रिपीट तो थे पो कें पैसेज में त रिपीटेशन के करे अस उन द में इस्तेमाल कंदे, चाहे वो जुमलो वर्ड नाउन गर्ल होजे या शॉप होजे, जैसे पोया जुमलो जो नेक्स्ट आ वो शॉप या गर्ल के बारे में इंदो तो उत्ते असो आर्टिकल उत्ते आर्टिकल असो द थी वो बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। आई मेट अ गर्ल इन अ शॉप, हाँ द गर्ल वॉज, हाँ वरी लफ्ज अची वो फ्रेंच, हाँ इतने फ्रेंच आए छोकरी आ कौम की आ पर वह सिंगल आ, इन के करे अस इतने माना अस इतने आर्टिकल जरूर हणंदे द गर्ल वॉज अ फ्रेंच, पर कदें कदें लफ्ज वरी हो अची वा जी फ्रेंच द गर्ल वॉज, हाँ जैसे इतने लफ्ज इस्तेमाल थल हो एडजेक्टिव इस्तेमाल थल हो प्रेडिकेटिव टाइप हो तो आर्टिकल न पव। द गर्ल वॉज ओबीडियंट, द गर्ल वॉज ऑनेस्ट, द गर्ल वॉज को अड़े किस्म जो हो तो अस इस्तेमाल न कंदे, पर कौम के हिसाब से हुए तो उनमें द या एन बई लगी सकन था, पर उन जो मतलब द जो मतलब प्लुरल हों एन जो मतलब सिंगुलर हों। वरी फोर्थ वरी दिसो, आई वॉज इन डेश फ्रेंच रेस्टोरेंट, हाँ आए फ्रेंच इतने एडजेक्टिव तौर इस्तेमाल थल माना इन जो मतलब भी फ्रांस जो आए फ्रेंच रेस्टोरेंट, माना रेस्टोरेंट एक सिंगुलर आ, इन के करे अस इतने भी अ फ्रेंच रेस्टोरेंट इस्तेमाल कंदे, छो तो एडजेक्टिव प्लस नाउन में आर्टिकल अस इनडेफिनेट जो मोस्ट ऑफ द टाइम हणंदा आए। क्लियर, अगते वो वरी अस खूँ था नंबर फाइव, ही इज पाकिस्तानी एंड हैज 100 रुपी नोट। अचो इन वरी अगानों में बुधायम तो पाकिस्तान पाकिस्तानी कौमन जहा माना उ सिंगुलर के शो था कन तुन में भी आर्टिकल ए इस्तेमाल कौ, ही इज अ पाकिस्तानी एंड हैज डैश 100 रुपी नोट, हाँ यो 100 रुपी आए तो इन जो मतलब आ इन के भी अस वन इस्तेमाल थल आ, वन एक वाहिद ओ सा एक वर्ड आए जो साउंड जो आए वो वाउल आ पर ओ माना कॉन्सोनेंट साउंड में तो अचे, इन करे इतने भी अस इस्तेमाल कंदे। जुमलो क्या थो, ही इज अ पाकिस्तानी एंड हैज अ 100 रुपी। वरी बो दिसो जुमलो आए डेश पाकिस्तानी डज डू नॉट केयर टू बी एट सोशल डिस्टेंसिंग, अजकल के सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तानी सोशल डिस्टेंसिंग वेयरिंग मास्क आए ही को माना लापरवाही कंदा, पर जुमलो आए थे डेश पाकिस्तानी, मथे पाकिस्तानी में अस इस्तेमाल कई से पर इतने पाकिस्तानी के अगया माना ये कौम जो सजो जिक्र था कन पाया जनरल सेंस में तो इतने वही दी पाकिस्तानी, जैसे द पाकिस्तानी अस इस्तेमाल से तो हाँ अस ऑप्शन आ डज पव या डू पव, द पाकिस्तानी डू नॉट डज नॉट गलत थी वो डू नॉट केयर टू बी एट सोशल डिस्टेंसिंग। हलो वरी बो दिसो सेवेंथ, हु इन्वेंटेड डेश टेलीस्कोप, याद कजो जेके भी इन्वेंशन्स होंदियों आइन उनन में आर्टिकल लगंदो आ। नंबर एट, डेश काउज गिव मिल्क, प्रीवियस डिस्कशन असांजी हुई त डेफिनेट आर्टिकल किथे न लगंदो आ माना ओमिट थींदो आ, तो उनमें असा एकड़ो रूल पढ़ियो से तो जेके भी कॉमन नाउन प्लुरल में हुंदा आइन उनन सां आर्टिकल न लगंदो आ, इते माना हुंदो अठे नंबर में नो आर्टिकल काउज गिव मिल्क। वरी बियो अचो नाइन्थ में आए, डेश काउ गिव्स मिल्क, हाँ इो दिसो मथे आ काउज गिव मिल्क
हेठा काउ गिव्स मिल्क। हाणे इन जा ॿ तरीक़ा थी सघनि था। इहो अ काउ गिव्स मिल्क जॾहिं तव्हां साम्हूं उनखे ॾिसो ऐं उनखे काउंट करे सघो, हिकिड़ी आहे। ॿियो वरी हिकिड़ो जनरल सेंस इस्तेमालु थींदो आहे, जंहिंजो मतिलबु हूंदो आहे रिप्रेज़ेंटेटिव द होल क्लास आर 100% ट्रूथ। त उन में जेको प्लूरल शयूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे सिंगुलर करे असां द इस्तेमालु कंदा आहियूं। एडजेक्टिव में बि रिप्रेज़ेंटेटिव होल क्लास हूंदो आहे, पर एडजेक्टिव खां पोयां नाउन न हूंदो आहे, एट्रीब्यूटिव नाउन एडजेक्टिव इस्तेमालु कंदा आहियूं, अॻियां द इस्तेमालु कंदा आहियूं। त उहो प्लूरल में इस्तेमालु थींदो आहे, पर नाउन में वरी द इस्तेमालु कबी आहे, पर सिंगुलर में इस्तेमालु कबी आहे। जीअं द काउ गिव्स मिल्क माना रिप्रेज़ेंटेटिव द होल क्लास हूंदो आहे, माना जेको अठे नंबर में काउज़ इलाही आहिनि ऐं नाएं नंबर में काउ सिंगुलर में इस्तेमालु थो थिए पियो। इन मां ईअं बि असां चई सघूं था त जेको नाएं नंबर वारी काउ आहे ऐं सिंगुलर में आहे, इन्हनि जो तादादु अठे नंबर वारी काउज़ खां बि अञा वधीक आहे, छो त रिप्रेज़ेंटेटिव द होल क्लास जे लाइ इस्तेमालु थो थिए पियो। उन्हनि जूं 100% क्वालिटीज़ आहिनि। इन जे करे नाएं नंबर में दी काउ गिव्स मिल्क थींदो, राइट। Number 10, dash most cow can give milk 10 liter dash day. याद कजो इन सुपरलेटिव जे हिसाब सां मोस्ट मोर इन्हनि में डेफिनेट आर्टिकल न लॻंदो आहे। मोस्ट काउ गिव कैन गिव मिल्क 10 लीटर्स अ डे, इन अ डे न थींदो, अ डे थींदो। माना इन जो मतिलबु आहे हिते माना हिकु ॾींहं जे लाइ बि इन अ डे जी माना कढंदो आहे हिते, पर अ डे थींदो। माना हिते मोस्ट में कुझु बि न पवंदो, नो आर्टिकल कैन गिव मिल्क 10 लीटर्स अ डे। नंबर 11, हे जुमिलो जेको मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधायो, ही टोल्ड मी दैट हिज सिस्टर इज़ डैश इंटेलिजेंट। हू जीअं हुयो हिज सिस्टर इज़ फ्रेंच, हिज सिस्टर इज़ पाकिस्तानी, त उते असां आर्टिकल इस्तेमालु कयूं हा, पर एडजेक्टिव सिधो सो अची वञे। कहिड़ा एडजेक्टिव पढ़िया हुआसीं? जेके हुया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, जंहिंजे पोयां को बि आर्टिकल इस्तेमालु न थिए। हीअं हुजां इंटेलिजेंट सिस्टर, इंटेलिजेंट गर्ल, त पोयां सिंगुलर हूंदो त आर्टिकल हणूं हा ऐं इंटेलिजेंट गर्ल लिखूं हा, पर हिते इंटेलिजेंट आहे ऐं उनखां पोयां नाउन इस्तेमालु नाहे थियल, त इन्हनि जॻहियुनि ते असां हिन में आर्टिकल इस्तेमालु न कंदासीं। हिन में पवंदो 11 नंबर में नो आर्टिकल। नंबर 12, इट वॉज रियली डैश यूनिक साइट। यादि कजो एडजेक्टिव ऐं पोयां नाउन हुजे त इन में असां इनडेफिनिट आर्टिकल ज़रूरु हणंदासीं। इट वॉज़ रियली अ यूनिक साइट। अॻिते अचो वरी नंबर 13। नंबर 13 में आहे वरी, डू यू नो डैश मिसिस जूडी ओकेंडम। इंटरमीडिएट जे लेसन पहिरें में जूडी जेको आहे 20 मिनट्स विथ जूडी ओकेंडम में इहो हिकिड़ो जुमिलो आहे, ऐं असां पढ़ियो आहे त जॾहिं कंहिंजा नाला हूंदा आहिनि उन्हनि नालनि सां असां कॾहिं बि आर्टिकल इस्तेमालु नथा करे सघूं, डेफिनेट आर्टिकल बि न, इनडेफिनेट आर्टिकल। पर यादि कजो जॾहिं तव्हां कंहिं अजनबी माण्हूअ जे बारे में माना ॿुधायो था या पुछो था या उनजी ॻाल्हि था कयो, त उनखे आर्टिकल ॾिबो आहे, ख़ासि तौर ते इनडेफिनिट आर्टिकल। डू यू नो पुछे थो, डू यू नो डैश मिसिस जूडी ओकेंडम, जेंटलमैन थो पुछे पियो उनखां, त इते असांजो आर्टिकल अ लॻंदो। छाजे लाइ लॻंदो? त इहो अजनबियत माना हिनखे ख़बर न आहे ऐं उनखे बि ख़बर न आहे। जॾहिं ख़बर कंहिं पर्सनैलिटी जे बारे में न हूंदी आहे त उनजे अॻियां आर्टिकल इस्तेमालु कंदा आहियूं। यादि कजो इहो, दैट इज़ आई थिंक न्यू थिंग फॉर यू पीपल। 14, अरंधुती रॉय इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इहो असां हिकिड़ो रूल पढ़ियोसीं त जॾहिं प्रॉपर नाउन खे कॉमन नाउन में यूज़ कबो आहे त पोइ उते जेको कंपेरिज़न हूंदो आहे उन में बि असां आर्टिकल द इस्तेमालु कंदा आहियूं। विलियम शेक्सपियर या शेक्सपियर में असां आर्टिकल हूअं इस्तेमालु नथा करे सघूं, पर अरंधुती रॉय खे शेक्सपियर ठाहियो वियो आहे, माना उनजी बराबरी कराई वई आहे। त अरंधुती रॉय बि इंडिया में ॼणू शेक्सपियर आहे, त इन जे लाइ इते असां द शेक्सपियर इस्तेमालु कंदासीं। अरंधुती रॉय इज़ दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
15 नंबर पे 13 नंबर वाले वांगुर जुमलो आ 13 ऐ 15 भी इया ही आ ही थिंक्स ही इज डे शेक्सपियर माना ही भी पांजो पान के जणू शेक्सपियर पे तो समझे पर इन में भी इया उनजी अजनबियता यो इ आए न माना अन अन जानाई या न समझण या खबर न होजे उते भी असा इया ही इस्तेमाल कंदा ले ही थिंक्स ही इज अ शेक्सपियर अ इस्तेमाल कंदा ले जी डू यू नो अ मिसेस जूडियो के नम 16 जो वरी जुमलो दिसो आई हैव डैश फ्यू फ्रेंड्स होम आई टॉक एंड स्टडी छा पंदो ट्रे हुंदा दव एकड़ो हुंदो आ अ फ्यू बियो हुंदो आ द फ्यू आई बियो हुंदो आ बिगर फ्यू जे जेकर हो जे आई हैव डैश फ्यू फ्रेंड्स फुल स्टॉप एस ताई हो जे तो इन जो मतलब होंगे अ फ्यू बिगेर आर्टिकल जो होने जो मतलब होंगे नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल या हार्डली एनी वन या नथिंग पर हे गल भी तो स्टडी भी करे तो इन करे इन में असा अ फ्यू इस्तेमाल कंदे माना समथिंग बो वो द फ्यू हों द फ्यू जो मतलब भी पिलुलर में इस्तेमाल पर उन मतलब हों के खास उन में करेक्टरिस्टिक्स होजन ठीक है आई हैव हिं हो डैश फ्यू फ्रेंड्स हू वियर ग्लासिस माना दोस्त इलाही आन पर उन्होंने में कुछ अड़ो ग्रुप आ जी चश्मो पाइंदा कुछ अड़ा जैसे कुछ उन्होंने अड़े किस्म जो करेक्टरिस्टिक्स होजन तो द फ्यू इस्तेमाल ये उन स्टडी कर इन कर अ फ्यू इस्तेमाल कह फ्यू फर्स्ट ईयर की किताब जो जुमलो आ 17 नंबर The officer, 17 नंबर जुमलो था पढ़ाऊं The officers were dash few and they were dash young and experienced. अच्छो वरी हाने माना मां तांगे बुधायो त जने नेगेटिव सेंस में या हार्डली एनीवन में भी इस्तेमाल थे त उते भी असा फ्यू में कुछ भी न इस्तेमाल कंदा आयो हाने हते थिनो द ऑफिसर्स वर फ्यू बिगेर आर्टिकल जे एंड दे वर यंग ये जो एडजेक्टिव आ उन्हें जे अगे असा आर्टिकल इस्तेमाल न कंदा आयो दे वर यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड आ यो भी एडजेक्टिव आ जको छमा ठायो वयो आ पास्ट पार्टिसिपल पर ठायो वयो आ ए उनके पोया नाउन ना है माने प्रेडिकेटिव सेंस में आ भाई त इनन में भी असा आर्टिकल इस्तेमाल न कंदा से ता जी किताब जो जुमलो आ द ब्रिकिन हेड ड्रिल द ऑफिसर्स वरी बुधो जुमलो 17 द ऑफिसर्स वर फ्यू एंड दे वर यंग एंड एक्सपीरियंस्ड माना इन टिनी में इते आर्टिकल न पवंदो अचो वर 18 ते 18 में छाए 18 में बुधायो तो वने त हु वाज प्लेइंग डैश गिटार एंड चेस मां तांखे बुधायो रूल्स में त ब शयूं आइन हिकड़ियूं जिनके चयो वेंदो आ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐं ॿिए हूंदियूं आहिनि गेम्स हाणे गिटार म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आहे ऐं गेम्स चेस गेम आहे शतरंज रांदियुनि जे लाइ त उन्हनि में आर्टिकल न पवंदो आहे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में डेफिनेट आर्टिकल द पवंदो आहे हाणे छा कंदासीं हू वॉज प्लेइंग द गिटार एंड चेस चेस जे अॻियां कुझु बि न लॻंदो 19 जुमिलो वरी ॾिसो अली हैदर इज़ डैश इमामुल हक ऑफ अवर टीम जे तव्हां अॻु में जुमिलो पढ़ियो अरंधति राय इज़ दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया हे बि जुमिलो ईअं आहे अली हैदर प्रॉपर नाउन आहे असां आर्टिकल न हणंदासीं पर इहो अली हैदर इमामुल हक सां कंपेयर कयो थो वञे पियो एक्चुअली अली हैदर इज़ नॉट इमामुल हक एंड इमामुल हक इज़ नॉट अली हैदर बट इट ही इज़ कंपेयर्ड टू इमामुल हक इन प्रॉपर नाउन के कॉमन नाउन इतने तो वे इन करे इमामुल हक के अगर अस द इस्तेमाल कंदे अली हैदर इज दी इमामुल हक ऑफ अवर टीम क्लियर 20 से अचो शी वॉज इलेक्टेड एम पी एम एन ए इन अवर टीम हाँ याद कजो खास तौर पर इलेक्टेड लफ्ज मेड मेंटेन या अपॉइंटेड अपॉइंट मेड इलेक्टेड ऐं मेड इहे एक जेके टे चार लफ़्ज़ आहिनि इन्हनि खां पोइ जेको बि लफ़्ज़ हूंदो आहे उनजे अॻियां असां जेको आहे आर्टिकल इस्तेमालु न कंदा आहियूं शी वॉज़ इलेक्टेड
डेश एम पी एम एन ए इन अवर एरिया। हाँ इन के अगर इो इस्तेमाल चाहिए शी वॉज इलेक्टेड नो आर्टिकल एम एम एन इन अवर टीम, पर इन जगह बो जुमलो है शी वॉज डेश एम पी एम एन ए ऑफ अवर एरिया। इतने अस एम एन एम पी ए जगह अस एन इस्तेमाल कंदे, क्लियर। शी वॉज एन एम पी एम एन ए ऑफ अवर टीम, पर मथे में जो लफ्ज अची वन कड़ा इलेक्टेड अपॉइंटेड मेड मेंटेन्ड अड़े किस्म जहाँ लफ्ज अचन तो अस आर्टिकल इस्तेमाल न कंदे, क्लियर। अचो नंबर 22 ते वरी ही इज अपॉइंटेड डेश इंजीनियर, हाँ पवन बुदाय नो आर्टिकल बिकॉज द वर्ड इज अपॉइंटेड देयर न तो अस एन इंजीनियर इस्तेमाल कंदा। 23 हु वॉज डेश फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पवो इतने लफ्ज इस्तेमाल थे आर्डिनल नंबर। आर्डिनल नंबर माना कड़ा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्होंने अस डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल क्या हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 24 से अचो डेश टाइम्स ऑफ इंडिया एंड डेश इकोनॉमिक ऑफ टाइम्स आर पॉपुलर न्यूज़ पेपर्स, न्यूज़ पेपर हुजन मैगजीन्स हुजन एल मैनिक्स हुजन या कड़े किस्म ज बुक्स हुजन उन्हें में अस आर्टिकल द इस्तेमाल कंदा। पर कीप इन योर माइंड वन थिंग, अखबारों केतर भी हुजन उन्हें सभी से डेफिनेट आर्टिकल पव, पर अस वो है पाकिस्तान की पॉपुलर अखबार है डॉन, उनमें किताबन के मुताबिक लिखल है तो इन में डेफिनेट आर्टिकल द न पवो। छो न पवो चंदा तो यो लफ्ज एब्स्ट्रैक्ट में इस्तेमाल तो थे पो, यो लफ्ज माना इन करे इन लफ्ज के अगर अस द जो इस्तेमाल ना कर सकूँ। हाँ हिं लिखल हो डेली डॉन उन अगर पो द इस्तेमाल कर सोता, छो तो अखबार हर अखबार के पेपर भी लफ्ज इस्तेमाल कबो आ या डेली भी इस्तेमाल कबो आ तो द डेली डॉन ची सोता, पर रुगो डॉन हो यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू पुट डेफिनेट आर्टिकल देयर, क्लियर। अचो वरी 25 नंबर से, छो तो ये 24 में बई अखबारों इन बिन्हीं में द पव। 25 नंबर से अचो शी गोस टू डेश टेम्पल इन डेश मॉर्निंग, शी गोस टू टेम्पल काडे थी वे छो थी वे मॉर्निंग से याद कजो या इबादत करण थी वे इन जो को भी लिखल ना है तो इन जो बो को कम है इन जे करे इन जो यो प्राइमरी पर्पस आ इन जे करे इन में आर्टिकल न लगन। शी गोस टू टेम्पल इन द मॉर्निंग थी दो आ, इन मॉर्निंग न इन मॉर्निंग न इन द मॉर्निंग माना लफ्ज़ क्या थी दो टेम्पल जे अगियां कुछ भी न मॉर्निंग जे अगियां द। 26 थी अचो आई थिंक डेश मैन ओवर देयर इज फेमस एक्टर, खबर आ असांखे त माण्हू मेन ऐं वुमन जनरल सेंस में त कुझु बि इस्तेमालु न थींदो, पर हिकिड़ो माण्हू हुजे पर हुनखे इंडिकेट या पर्टिकुलराइज़ कयो वञे कहिड़ो आई थिंक मेन ओवर देयर माना इंडिकेट कयो थो वञे कहिड़ो डेमॉन्स्ट्रेटिव वे में त असां इते बि द इस्तेमालु कंदासीं। आई थिंक द मेन ओवर देयर इज़ अ फेमस एक्टर, या ईअं हुजे द मेन यू सा यस्टरडे वॉज़ माई फ्रेंड, माना अड़े किस्म जहाँ हुआ मेन में द इस्तेमाल न थी द नो इन कर जो जनरल सेंस में इस्तेमाल थी, पर जैसे उनके पर्टिकुलराइज कर वे तो अस इस्तेमाल कर सकूँ था। 27 से अचो सम वन कॉल डेश पुलिसमैन, पुलिसमैन एकड़ो आ तो अस अ पुलिसमैन चई सकूँ था। सम वन कॉल अ पुलिसमैन वरी बो सम वन कॉल डेश पुलिसमैन एम ई एन, पिल्यूलर में आर्टिकल बई न पवंदा आहिनि न डेफिनेट न इनडेफिनेट। वरी बियो आहे सम वन कॉल डेश पुलिस, यादि कजो रुगो पुलिस ईअं हुजे त पोइ उन में असां आर्मी हुजे वर्मिन हुजे क्लर्जी हुजे पोल्ट्री हुजे अहिड़े क़िस्म जा 5-8 लफ़्ज़ आहिनि जेके हमेशह उन्हनि खे असां पिल्यूलर में इस्तेमालु कंदा आहियूं। सम वन कॉल द पुलिस। 30 थी अचो वरी 30 जो जुमलो आ आई डोंट लाइक डेश डॉग्स,
ॿुधायोमां त जेके बि प्लूरल कॉमन नाउन हूंदा आहिनि उन्हनि में आर्टिकल न लॻंदो आहे, न ए या एन, छो त प्लूरल आहे, ऐं न ई द लॻंदो आहे कॉमन प्लूरल नाउन में. आई डोंट लाइक द, आई डोंट लाइक डॉग्स बट आई लाइक माई डेश ब्रादर्स डॉग. हिते भला छा पवंदो, हिनखे पर्टिकुलराइज़ त कयो वियो आहे. हा द लॻे आहे पर लफ़्ज़ इस्तेमाल थियल आहे अॻियां माए, जिते पज़ेसिव प्रोनाउन हूंदा आहिनि त उते डेफिनेट आर्टिकल नथो लॻी सघिजे. आई डोंट लाइक डॉग्स बट आई लाइक माए ब्रादर्स डॉग. माए जे करे द नथो लॻे, हूअं द लॻे. 31 सेंटेंस आहे, इंग्लिश इज़ डेश ईज़ी लैंग्वेज. इंग्लिश सब्जेक्ट आहे या लैंग्वेज आहे, पोयां लफ़्ज़ लिखियलु आहे लैंग्वेज, त माना लैंग्वेज आहे. लैंग्वेज वर्ड में आर्टिकल न लॻंदो आहे, माना नो आर्टिकल. इज़ ईज़ी लैंग्वेज आहे, एडजेक्टिव बि आहे, पोयां नाउन बि आहे, त आर्टिकल हणो कहिड़ो, ईज़ी माना अन एन ईज़ी लैंग्वेज. इंग्लिश इज़ एन ईज़ी लैंग्वेज. वरी अचो ॿियो जुमिलो आहे, डेश इंग्लिश इज़ ईज़ी. हाणे ईज़ी एडजेक्टिव त आहे पर मथियूं ईज़ी लैंग्वेज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आहे, हेठि रुगो ईज़ी लिखियलु आहे, त माना प्रेडिकेटिव आहे. प्रेडिकेटिव जे अॻियां डेफिनेट आर्टिकल न लॻंदो आहे, माना थींदो इंग्लिश इज़ ईज़ी, नॉट एन ईज़ी. राइट. 31, 33 जो जुमिलो आहे, इंग्लिश आर. लफ़्ज़ इंग्लिश होॾे इज़ आहे, हिते आर आहे. इन जो मतिलबु आहे त इहा हिकिड़ी क़ौम आहे, माना अॻियां आर्टिकल द लॻंदो, ऐं तव्हांजे किताब जो हिकिड़ो जुमिलो आहे इहो, इंग्लिश आर नॉट सपोज़ टू बी गुड एट लैंग्वेजिस. अचो वरी 34 ते, आई थिंक डेश जून इज़ डेश वर्स्ट मंथ इन डेश अपर सिंध. महीननि में या डेज़ में या मंथ्स में या ईयर्स में आर्टिकल न लॻंदो आहे. वरी ॿुधो, ॾींहं हुजनि, डेज़, मंथ्स हुजनि या ईयर हुजनि या सीज़न्स हुजनि, उन्हनि में असां डेफिनेट आर्टिकल न लॻंदा आहियूं. माना आई थिंक खां पोइ जून आहे, नो आर्टिकल. आई थिंक जून इज़ वर्स्ट. वर्स्ट छा आहे, इहो सुपरलेटिव डिग्री आहे, छा जो, बेड जो. बेड वर्स वर्स्ट माना सुपरलेटिव डिग्री आहे, त द लॻंदो. मंथ इन अपर सिंध चवंदा आहिनि त शहरनि जे नालनि में, ॻोठनि जे नालनि में हुजनि, सूबा हुजनि, कंट्री हुजनि या कॉन्टीनेंट हुजनि, उन्हनि में आर्टिकल न लॻंदो आहे. पर जेकॾहिं उनखे छा हुजे, डायरेक्शन हुजे, जीअं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न साउदर्न या इंटीरियर अपर या लोअर. सिंध जा नाला ईअं बि हूंदा आहिनि, अपर सिंध, लोअर सिंध या इंटीरियर सिंध. हाणे इन जो मतिलबु आहे इहे बि डायरेक्शन्स आहिनि, इन जे करे उते द लॻंदो. हाणे जुमिलो ॿुधो, आई थिंक जून, विदाउट आर्टिकल इस्तेमालु कंदासीं, आई थिंक जून इज़ द वर्स्ट मंथ इन द अपर सिंध, इन द अपर सिंध. ठीकु आहे, वरी ॿुधो, आई थिंक द जून इज़ द वर्स्ट मंथ इन द अपर सिंध. वरी अहिड़ो ई साॻियो जुमिलो तव्हांजे किताब जो बि आहे, आई थिंक डेश मे इज़ डेश नाइसेस्ट मंथ इन वेस्टर्न यूरोप. मे में आर्टिकल न लॻंदो, नाइसेस्ट में द लॻंदो, ऐं हेॾां वरी वेस्टर्न यूरोप आहे. यूरोप में आर्टिकल न लॻी आहे पर उनखे डायरेक्शन आहे वेस्टर्न यूरोप, इन जे करे हिते आर्टिकल लॻंदो. जुमिलो ॿुधो, आई थिंक मे इज़ द नाइसेस्ट मंथ इन द वेस्टर्न यूरोप. 36 बि तव्हांजे किताब जो जुमिलो आहे, बीज गेट डेश हनी फ्राम डेश फ्लावर्स. तव्हां ॿुधायो किथे लॻंदो आर्टिकल, तव्हां ॿुधायो. बीज गेट डेश हनी फ्राम डेश फ्लावर्स किथे लॻंदो बाबा. बीज जमा हुआ न लॻंदो, हनी मटीरियल नाउन आहे न लॻंदो, फ्लावर्स प्लूरल आहे इते बि न लॻंदो, माना नो आर्टिकल इन 36. इन में आर्टिकल लॻणो ई न आहे. वरी अचो 37 जो जुमिलो था पढ़ूं पिया,
इंग्लैंड इज ओनली पार्ट ऑफ देश यूनाइटेड किंगडम. इंग्लैंड कंट्री जो नालो आ इते आर्टिकल नथो लगे, पर हिकड़ो यूनाइटेड किंगडम आ जंहिंमें उहे चार मुल्क आहिनि अंदरि, माना किंगडम हूंदा आहिनि त उते आर्टिकल लॻंदो आहे. माना इंग्लैंड में नो आर्टिकल, यूनाइटेड किंगडम में द. हाणे इन खां पोइ वरी छा आहे लिखियलु, सेमी कोलन इस्तेमालु थियल आहे. पार्ट्स आर, इहे इते अदर लफ़्ज़ आहे, माना हितां रहिजी वियो आहे मूंखां अदर पार्ट्स. किताब में ॾिसंदो जॾहिं अदर हूंदो आहे हिक खां वरी ॿिए डायरेक्शन में लाहियो वेंदो, उते बि द लॻंदो आहे. दी अदर पार्ट्स आर स्कॉटलैंड, मुल्क जो नालो आहे, इते बि द न लॻंदो. वेल्स मुल्क जो नालो आहे, इते बि द न लॻंदो. एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड मुल्क जो नालो आहे, आर्टिकल न लॻे आहे, पर उनखे डायरेक्शन ॾिनो वियो आहे, इन जे करे आर्टिकल लॻे थो पियो. हाणे जुमिलो ॿुधो. इंग्लैंड माना नो आर्टिकल इज़ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. द अदर पार्ट्स आर स्कॉटलैंड नो आर्टिकल, वेल्स नो आर्टिकल, एंड नॉर्दर्न आर्टिकल. यस, इते आर्टिकल ॾियो द नॉर्दर्न आयरलैंड. 38 ते वरी अचो. आई हैव परचेज्ड डेश ए बेटरी फ्रॉम अ मार्केट. इनखे असां अमेरिकन लैंग्वेज में पढ़ंदासीं ए बैटरी, पर असांजे ब्रिटिश लैंग्वेज में इनखे पढ़बो आहे डबल ए बैटरी. जॾहिं अहिड़े क़िस्म जो लफ़्ज़ अची वञे त असां डबल लफ़्ज़ ड, माना वाउल साउंड आहे, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड आहे, त इते असां छा इस्तेमालु कंदासीं, अ बी इस्तेमालु कंदासीं. आई हैव परचेज्ड अ डबल बैटरी फ्रॉम अ मार्केट. ठीकु आहे, ए आहे पर आवाज़ हिन जो ड थो अचे, इन करे अ इस्तेमालु कंदासीं, सिंगुलर आहे उन जे मुताबिक़. आई हैव परचेज्ड अ डबल ए बैटरी फ्रॉम अ मार्केट. नंबर 39, वेन डेश कैप्टन असलम वॉज इल, वी वेंट टू डेश हॉस्पिटल टू विज़िट हिम. यादि कजो, नाले जे अॻियां को बि प्रोफेशनल अची वञे, मेजर अचे, कैप्टन अचे, डॉक्टर अचे, इंजीनियर अचे, प्रोफेसर अचे, असां आर्टिकल न इस्तेमालु कंदासीं. वेन कैप्टन असलम वॉज इल, वी वेंट टू हॉस्पिटल. हॉस्पिटल असां छो था वञूं पिया, असां त बीमार न आहियूं, असां त डॉक्टर न आहियूं. हा, असां हुनखे पुछणु वियासीं, इन जे करे हॉस्पिटल असांजे लाइ सेकेंडरी पर्पज़ आहे. जॾहिं सेकेंडरी पर्पज प्लेसिस लाइ इस्तेमालु थींदो आहे त आर्टिकल लॻंदो आहे. जुमिलो ॿुधो. वेन कैप्टन असलम वॉज इल, वी वेंट टू डेश, वी वेंट टू द हॉस्पिटल टू विज़िट हिम. राइट, इन में द पवंदो हॉस्पिटल में. नंबर 40 हिकिड़ो ट्रिकी जुमिलो आहे. हाउ डेश बिल्लू डेश स्काए लुक्स. असांजा रूल्स था ॿुधाइनि त जॾहिं कलर हूंदो आहे त आर्टिकल द पवंदो आहे. असांजो लफ़्ज़ स्काए, अर्थ या प्लेनेट्स या यूनिक इन नेचर हूंदा आहिनि त उन में आर्टिकल लॻंदो आहे. पर हिते कहिड़ी सिचुएशन आहे, हिते आहे बिल्लू स्काए. हाणे बिल्लू जेको आहे कलर आहे, पर इन सां गॾोगॾु इहो एजेक्टिव बि आहे हिते, जेको स्काए सां गॾु इस्तेमालु थियल आहे. हाओ डेश बिल्लू स्काए लुक्स. यादि कजो, जॾहिं एजेक्टिव अची वियो त इन जो मतिलबु आहे त इन खां पोइ असां आर्टिकल नाउन जे लाइ नथा इस्तेमालु करे सघूं, पर बिल्लू जे अॻियां ज़रूरु रखंदासीं स्काए जे लाइ. हाणे इहो जुमिलो थींदो, हाओ दी बिल्लू स्काए लुक्स, माना पहिरें बिल्लू में द लॻंदो ऐं पोयां स्काए में कुझु बि न लॻंदो. हाओ द बिल्लू स्काए लुक्स. 41, माए फादर हैज़ ब्रॉट डेश EWE फॉर मी. हाणे इहो छा आहे, हिकिड़ा लफ़्ज़ हूंदा आहिनि जिन में असां एन बि इस्तेमालु कंदा आहियूं, पर आवाज़ सां. कीअं, जीअं मथे उहो ए बैटरी माना ड पियो अचे, माना कॉन्सोनेंट साउंड, हे आहे EWE, माना इन जो आवाज़ आहे माना छा, यू, माना कॉन्सोनेंट साउंड आहे. इन जे अॻियां इन में बि छा पवंदो, अ पवंदी. माए फादर हैज़ ब्राट अ यू फॉर मी. यू छा आहे, फीमेल शीप. शीप मेल फीमेल हूंदा आहिनि. मेल शीप खे चइबो आहे रेम, RAM. फीमेल शीप खे चइबो आहे EWE, यू. इन जे करे हिन में अ यू पवंदो. ॿियो आहे वेयर इज़ योर, ऐं हेॾां बि लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल आहे EWER. छा आहे इहो, इहो बि आहे योर आहे. इहो योर मीन्स हिकिड़ो बर्तन आहे.
हाँ इन में आर्टिकल कड़ो इस्तेमाल कह यू आर आ तो इो भी अ यू आर इस्तेमाल थे पर याद रखो जडें भी आर्टिकल की जरूरत हुए पुछे तो जैसे अग्या पजेसिव प्रोनाउन अची वे तो वो आर्टिकल उन जगह से इस्तेमाल न तो थी सके। हाँ इन में इन जो मतलब आ इतने असो पजेसिव प्रोनाउन मौजूद आ तो आर्टिकल के इतने का इजाजत ना है जो इतने लगे वेयर इज हूँ अ यूअर थे आ पर इतने थो वेयर इज योअर योअर। 43 अचो वरी 43 जो जुमलो आए देयर आर स्नो केप्ड माउंटेन इन देश हिमालयास। यो भी टेक्स्ट जो आए असो टेक्स्ट बुक जो सेंटेंस आए हिमालयाज इज रेंज माउंटेन में आर्टिकल न लग पल हिमालयास जे माउंटेन होंदा रेंजेस होंदियों उन्होंने में द लग मन ही जुमलो थो देर आर स्नो केप्ड माउंटेन्स इन द हिमालयास। 44 ते अचो वरी शी इज इंस्ट्रक्टिंग टू स्टूडेंट्स हाउ टू प्ले उकुलेले। उकुलेले शाय उकुलेलो एकड़ो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ केड़ो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ यो उकुलेले इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जेका खास तौर ते छा थींदी आ गिटार लाइक गिटार वो जो होंगे उनके मुताबिक इस्तेमाल कहता है ये उकुलेलो इज अ गिटार माना जो जो गिटार जो टाइप आ पर याद कर बुधायो तो प्ले इंस्ट्रक्टिंग प्रैक्टिसिंग अड़े किस्म जहाँ जुमला इंदा अस मुंजी पा प्ले भी लफ्ज अची मुंजी पा तो गेम आ या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ छो तो बिन्हीं में लफ्ज सागा था इस्तेमाल थे लर्न प्रैक्टिस प्ले इंस्ट्रक्ट लाइक प्रैक्टिस लाइक दैट। उकुलेले इज वॉट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो गिटार हों अड़े किस्म जो ही ज़ाइलोफोन अड़े किस्म जो ही तो इन जर है तो प्ले द उकुलेले माना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में द इस्तेमाल वरी 44 लफ्ज दिसो स्टूडेंट्स आर लर्निंग डेश स्किल्स ऑफ डेश आर्चरी ईगरली। स्टूडेंट जमा हुआ आर्टिकल न लग माना स्टूडेंट्स आर लर्निंग डेश स्किल्स ऑफ आर्चरी हाँ स्किल नाउन आर्चरी नाउन ऑफ विच में पियल आ द लग माना पहरे में कुछ भी न लग दी स्किल्स ऑफ आर्चरी थी पर आर्चरी छा आर्चरी चबो आ तीर अंदाजी के माना इं भी रांद आ स्पोर्ट्स आ जैसे रांद स्पोर्ट्स आ तो इन में आर्टिकल न लग हाँ जुमलो बुध कें स्टूडेंट्स माना नो आर्टिकल आर लर्निंग दी स्किल्स ऑफ आर्चरी ईगरली। ईगरली माना शौक से आर्चरी जगह आर्टिकल न लग रांद आ या हे जुमलो ऐसो रिपीट थो इलाई दफा 46 डेश नंबर ऑफ प्रिजनर्स हैव एस्केप फ्रॉम जेल। क्या खबर पे जुमले में खबर पे तो हैव एस्केप पियल माना यो जमा हुआ एकड़ो लफ्ज हों नंबर ऑफ बो हों द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ लफ्ज इस्तेमाल जमा के लिए द नंबर ऑफ थी सिंगुलर के लिए वाहिद के लिए इतने हैव पियल इन अस इनमें आर्टिकल कड़ो पव अ नंबर ऑफ पव अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स हैव एस्केप फ्रॉम जेल। सागे तरीके से ये भी जुमलो इन 47 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज डेश बीन इंक्रीज्ड द लफ्ज पियल इन जो मतलब सीधो सऊँ आ तो इो लफ्ज में जो एडा वर्ब पवण आ सिंगुलर पवण आ द सिंगुलर अ सा प्लुलर अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ असो जो क्लास इन में भी थो अ नंबर ऑफ ए द नंबर ऑफ से डिस्कशन थो हाँ इतने लफ्ज बीन पियल आ तो यो पव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज हैज़ बीन इंक्रीज्ड ठीक नॉट हैव बीन हैज़ बीन सिंगुलर में इस्तेमाल कंदा। 48 जो जुमलो तुम बुधायो हिज रूममेट एंड डेश क्लोजेस्ट फ्रेंड कॉल्स ह्यूमन ना है यो हिम कयो इनके गलती आई आ ड्राई छा कंदो हिज रूममेट एंड डेश क्लोज फ्रेंड कॉल्स हिम आइडल पर्सनैलिटी। आइडल पर्सनैलिटी माना वांदो मानू वांदी वांदो शख्सियत वांदो शख्स।
हाँ याद का जो एंड अस पेरियन पेरियन ईयर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एंड जोड़ो पढ़ो से तो जैसे पैरों पजेसिव से या आर्टिकल से उन गड बो भी एडा आर्टिकल लगे तो जो वर्ब हों वो पेल्यूलर थी वो पर इतने लिखल आ कॉल्स कॉल्स लिखल आ असेंगे वो एडे जो क्लोजेस्ट बुधाए तो पो तो यो सुपरलेटिव डिग्री आ रूल पढ़ो आ सुपरलेटिव डिग्री में द पवन आ ढो ट्रिकी जुमलो आए पे पर याद कजो या तो अस इतने द इस्तेमाल क्यों पोयां वरी लफ्ज के एस कटे छ्यों पो सही थी सके तो पो पर याद कजो इन जुमले में अस सब्जेक्ट में अस में यह तब्दीली अचणी आड़ी जो असें बुधाए तो पो हिज रूममेट एंड क्लोजेस्ट भली सुपरलेटिव पल हो इतने आर्टिकल ना पवणो कर जो ओडा वर्ब जो सिंगुलर इस्तेमाल थे जेकर इतने अस द इस्तेमाल क्यों बिकॉज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री तो जुमलो बिगड़ी तो वे कॉल्स नो कॉल तो एंड से बिन्हीं पास आर्टिकल या पजेसिव हों तो वर्ब पेल्यूलर में हलो वो एंड से पास दे आर्टिकल हो बे पास दे न हो तो वो जो पेरों वो हों उन एग्री थी ठीक है अंडरस्टैंड इतने क्लोजेस्ट में कुछ भी न पव 49 आए ही कैन प्ले हारमोनिका हारमोनिका शायद हारमोनिका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आको अस वात से वजाइंदा माना उनके ब्लो कंदा ही कैन प्ले डेज हारमोनिका जैसे बाजो चाहबो ही कैन प्ले हारमोनिका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आंद द पव ही कैन प्ले द हारमोनिका एंड चेस शतरंज रांद इन आर्टिकल न लगन जुमलो क्या थो ही कैन प्ले द हारमोनिका एंड चेस एट द सेम टाइम लास्ट जुमलो आो दसों अचो लास्ट जुमले में चे तो डेश 18 ईयर्स गर्ल्स कॉन्ट रीड वेदर इट इज बी आर डेश 8 पव आर्टिकल बुधा 18 ईयर्स गर्ल हाँ इं भी इतने प्रिंटिंग मिस्टेक आ 18 ईयर्स गर्ल इतने एस कटे छो इन हाँ यो एन 18 ईयर्स गर्ल कॉन्ट रीड वेदर इट इज बी आर 8 हाँ बी आ माना ब साउंड तो अचे पो पढ़ो अ बी हेडे वरी 8 आ साउंड तो अचे अ पढ़ो से अस वाउल साउंड अ ए उ एन लगन सिंगुलर नाउन हों कॉन्सोनेंट साउंड इन अलावा जो पार्ट ऑफ आर्टिकुलेशन कि टच थन तो अस उत अ लफ्ज इस्तेमाल क्या हाँ ये जुमलो 18 ईयर्स गर्ल माना 8 इस्तेमाल किया एस की गलती आई है एन 18 ईयर्स गर्ल कॉन्ट रीड वेदर इट इज अ बी आर एन 8 ठीक है अड़े किस्म जहा माना ये प्रैक्टिस है अना स्टूडेंट कुछ एम सी क्यूज जो प्रीवियस एंट्री टेस्ट में माना क्लास के दौरान प्रैक्टिस कई कोशिश कदस पी डी एफ के शेप में तेंड क्या पर अड़े किस्म जहाँ एंट्री टेस्ट में को भी जुमलो कें रीज़न से ज़रूर अची सके तो पो उम्मीद क्या तो ताके कुछ आइडियाज मिलिया हुंदा एंड आई होप यू हैव इंजॉयड दिस क्लास बाय गेटिंग वंडरफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट यू हैव अटेंडेड प्रीवियस क्लासेस थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट एंड विश यू गुड लक